इंग्लैंड सीरीज से पहले भारतीय टीम को लेकर तमाम भविष्यवाणियां अलग अलग चैनलों द्वारा की जा रही थी। दिग्गजों का मानना था कि चेन्नई के स्पिनरों की मददगार पिच पर अंग्रेजों की पहले ही दिन से हालत पतली हो जाएगी, लेकिन पहले और दूसरे दिन तो उन्होंने इंडिया की हालत पतली कर दी। अनुभवी कुलदीप की जगह शामिल किए गए शहबाज नदीम भले ही दो विकेट लिए, लेकिन वो फेल होते दिखे तो विराट की कप्तानी में कोई खास चालाकी देखने को मिली नहीं और ना ही उनका आक्रामक अंदाज नजर आया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रिजल्ट ये रहा कि इंग्लैंड ने पहले दिन 263 पर 3 बनाए थे और दूसरे दिन 555 पर 8। उसकी स्थिति मजबूत है। पहले दिन की शुरुआत अंग्रेजों ने बड़ी धीमी की। रॉरी बर्न्स और लॉरेंस का विकेट गिरने के बाद लगा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन दिग्गजों की भविष्यवाणी के अनुसार ही है, लेकिन रूट और सिबली ने दासू बैटिंग करते हुए पहले दिन के दूसरे सत्र में पासा पलटा। रूट ने शानदार अपने 100वें टेस्ट में ऐतिहासिक शतक जड़ा और अगले दिन दोहरा शतक जड़ दिया। वहीं स्टोक्स और सिबली ने भी जमकर रन बटोरे। मैच से पहले पीटरसन ने कहा था कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जिसकी सबसे अधिक चर्चा होगी वो है कोहली की कप्तानी। ये सभी के लिए हॉट टॉपिक होगा, ये होता भी दिख रहा है। रायने ने जिस चतुराई से ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया और धीरे से सीरीज निकाल लाया, वो कोहली नहीं कर पाए। रोरी बर्न्स को आउट करने के बाद बुमराह को गेंद थमा, उन्होंने चतुराई वाला फैसला किया था, लेकिन इसके अलावा वो अपनी कप्तानी की कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में जारी पहले टेस्ट में भारत के लिए पेसर बुमराह ने पहले ही दिन छाप छोड़ने में कामयाब हुए, जिन्होंने 2 विकेट झटक दिए, लेकिन दूसरे दिन उन्हें विकेट नहीं मिला। उसके अलावा अश्विन ने भी 1 विकेट पहले दिन झटका और 1 विकेट बाद में। ईशांत शर्मा पहले दिन कोई विकेट नहीं ले सके और उसके बाद नदीम और वाशिंगटन सुंदर भी पहले दिन खाली हाथ में रहे थे। सुंदर को तो बाद में विकेट भी नहीं मिला, लेकिन नदीम के खाते में 2 विकेट आए। गेंदबाजों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप ना होने पर कमेंटेटरों ने कुलदीप यादव को याद किया। आकाश चोपड़ा तक इस बात से हैरान दिखे कि स्टैंड बाई में आज ही शामिल किए गए शहबाज नदीम को प्लेइंग 11 में शामिल क्यों किया गया, जबकि कुलदीप कहीं बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। अक्षर पटेल की चोट की वजह से कयास लगाया जा रहा था कि कुलदीप को जगह मिलेगी। कुलदीप के पीछे रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी ये मुश्किल नहीं लग रहा था। कमेंट्री के दौरान लक्ष्मण ने भी पहले दिन के लंच ब्रेक के दौरान भविष्यवाणी की थी कि इसके बाद शायद ही विकेट गिरे, ये देखने को भी मिला। लक्ष्मण ने कहा था कि पिच पाटा है, अगर बल्लेबाज थोड़ा भी चतुराई दिखाएगा तो विकेट नहीं गिरेगा। रोचक बात यह है कि दिन की आखिरी गेंद पर सिबले को किस्मत से बुमराह ने आउट कर दिया। देखा जाए तो दूसरे और तीसरे सत्र में पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का एटीट्यूड भी विकेट टेकिंग नहीं रहा था। हालांकि आखिरी सेशन में ईशांत और अश्विन कई बार गेंद को बदलने के लिए चर्चा करते जरूर दिखे। सबसे रोचक बात यह रही कि स्पिन को मदद करने वाली पिच पर पहले दिन सबसे सफल तेज गेंदबाज रहा, दूसरे दिन भी स्पिनर्स ने विकेट जरूर लिया। अब तीसरे दिन क्या होगा ये कहने वाली बात अलग है, लेकिन कुलदीप यादव खासे नाराज नजर आए। इस बीच उनका सिराज से विवाद भी हुआ। ड्रेसिंग रूम की पूरी सच्चाई रवि शास्त्री ने भी बताई। उन्होंने कहा कि भाई कुलदीप को हम मौका देंगे, लेकिन ये थोड़ा ना अलग ही बात है, क्योंकि इन्हें समझ आना चाहिए कि कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है और इंग्लिश बैट्समैन एक रिस्ट स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता है। उस लिहाज से कुलदीप को लेकर बवाल जबरदस्त मचा है। आपकी क्या राय है, क्या कुलदीप को खिलाया जाना चाहिए? क्योंकि एएनपी न्यूज अपने सब्सक्राइबर्स की राय सुनने के लिए जाना जाता है। आप प्लीज हमें बताएं कि भाई कुलदीप को ना खिलाने का फैसला क्या सही था, और अगर नहीं खिलाया तो क्या विराट कोहली इसके जिम्मेदार है, हमें जरूर बताइएगा। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।